कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को दी है, और प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले इस टाइप की सुविधाएं जो है जनता तक, गरीब तक नहीं पहुंच पाती थी, चिकित्सा व्यवस्था में एक बड़ी कामयाबी है ये। सबसे हर चीज़ पहली बार ही हो रही होती है। इस प्रधानमंत्री जब से आए हैं इस देश में सूरज भी पहली बार उगा है। इनको कहिए पहले जरा जाकर घूम लें, पूरे देश में समझ लें कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, और फिर आके इस तरह की बचकानी टिप्पणियाँ किया करें। पर मेडिकल कॉलेज नौ उसका शिलान्यास करना, उद्घाटन करना, आप ये नहीं मानते कि बड़ा एक मील का पत्थर है चिकित्सा व्यवस्था में? ये कब शुरू हुए थे, इनकी परिकल्पना कब की थी? हर सरकार कुछ करती है, कुछ खत्म कर देती है, कुछ नया कर जाने की जाती है, और फिर नई सरकारें आकर वो काम खत्म करती हैं। ये कह देना कि भाई मैं जब से आया हूँ तब से इस देश में सूरज उगने लगा और चांद तब से दिखने लगा, ये तो बचपना ही है और क्या है। आपको लगता है विधानसभा चुनाव ऐसे नज़दीक है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है इस टाइप के शिलान्यास से, उद्घाटन से? इनसे पूछिए कि जब गंगा में शव तैर रहे थे तब प्रधानमंत्री सामने दिखे किसी को इस देश में? कहाँ थे तब जब ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही थी, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तब कहाँ थे प्रधानमंत्री? तब तो नहीं दिख रहे थे, अब आ गए भाषण देने। आपका मानना है कि ये कार्यक्रम पहले होना चाहिए था ताकि कोरोना में जिन लोगों की जान गई सुविधाएं मिल सकती थी, लोगों की जान बच सकती थी? सरकारों को संजीदा होना पड़ेगा। पहले, सबसे पहले प्रधानमंत्री को आजकल जहां भी जाएं, पूरे देश में कहीं भी जाएं, मुंह खोलने से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए इस देश से। इस देश ने लाखों लोग गंवाए हैं, हर परिवार में कोई ना कोई गया है, शर्मानी चाहिए प्रधानमंत्री को। मुँह खोलने से पहले माफ़ी अगर नहीं मांग सकते हैं तो किस तरह के प्रधानमंत्री हैं ये? प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए ऐलान किया है कि 10 लाख तक का जो इलाज है सरकारी वो मुफ्त करेंगे। अब बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है पहल वहां से क्यों नहीं शुरू कर देते हैं? हमारी 7 प्रतिज्ञाएं हैं, इनको चाहिए पहले पढ़ लें भारतीय जनता पार्टी 7 प्रतिज्ञाओं को, और फिर हमसे बात करें। सुप्रीम कोर्ट में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ रही है, मुआवजा नहीं देना चाहती उन लोगों को जिनकी जाने गई हैं कोविड में। बड़ी मुश्किल से हम सब ने मजबूर किया तब जाके 50,000 पे माने हैं, जबकि नियम कहता है 4 लाख। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्रा, भारत समाचार, दिल्ली।